जिजी, अरे जिजी, अरे कहाँ गई तू? अरे जिजी, तू यहाँ पे बैठी। अरे अरे हाँ बत्तो बोल जिजी, तने कुछ पता ना? के अरे जिजी, तारे सामने कुछ उठा पटक हो रही। लोग, कुछ नए से लोग आ रहे हैं ऐसा लग रहे। हाँ हाँ बत्तो, देखी तो थी मैंने भी सुबह, एक हाँ चखड़ा था उसमें सामान था देख किसी देख, का। कोई नए लोग आ रखे थारे सामने। ठीक थारे सामने, तने पता ना? हाँ बत्तो, हमारे घर के आगे एक सुबह ट्रक खड़ा था और उठक पटक सी करने लग रहे थे मेरा ना सामान की। हाँ जी, जी जरा बाहर निकल गया तो देख, नए लोग आ रखे। हाँ आ जाओ, उधर बाहर निकल के देखे। ये तो कोई आए हैं, नए लोग आए लगे हैं। हाँ जी, हाँ जी जी देखिए। कौन है ये तो कोई नए नए से आदमी लगे हैं। अजी जी, कई लुगाई भी खड़ी ये अपना डाके तो ना है बत्तो, लगना रही अपनी है सी, ना? यहाँ की ना लग रही जो। हाँ इनका तो पहरावा भी कुछ और ही है। देखिए देखिए, कितना तो सामान भरे है जाके पूछे कौन है, जीजी। जाके मिलना चाहिए ना हाँ हमें। जीजी, देखना तो चाहिए भाई, पता तो चले कौन आ रखा। इनका कुछ पहरावा भी और ही तरह का सा है, मारे जैसा तो ना है। मारे जैसा ना जीजी, जी तो कहीं और के कहीं मारते आए जीजी। लग तो कोई और रही जे, देखिए जीजी मामा हमारी तरफ देख रही के। अरे जे तो देख ही ना रही। राम हमसे कह रही हैं, हमसे कह रही हो? राम 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 राम। मैं थारी पड़ोसन, घर आओ, चाय पानी पियाऊं। आपने दूर से आए हो थक के हार के, आ जाओ जी। अभी जरा सामान पड़ा है फैला हुआ। कहाँ बिहार में पड़ता है सिवान, वो हम उही के भानन भटप है। भानन भटप जी, क्या कह रही? भानन भटप, तो बानन बटप होगी कोई जगह मने के पता जी, जी भानन भटक की है जो। इसकी। और ए बटा बिल्लू, ए जल्ला बताइए बेटा, ये बानन भटप के है? मैं इसका मतलब ये होया कि वो वहीं पैदा हुई और वहीं बड़ी हुई, पर तू घने चक्रा मत पड़, अंग्रेजी उसने भी ना आवे। जी अंग्रेजी में बोलन लाग रही, थारे पड़ोस में तो अंग्रेजी बोलने वाली आ गई जीजी। सच्ची बात तो, ये तुम्हारे आगे अंग्रेजी बोलगी? हाँ जीजी देख, और जीजी इन्हें ना पता चलने चाहिए मारे ने अंग्रेजी ना आवे। जीजी बिल्लू, बिल्लू को पकड़ ले, उसी ते पूछ लिया करेंगे। हाँ ना, बिल्लू तो ही बोलेंगे भाई, बिल्लू ही बतावेगा हमने तो ये के बोले हाँ जे है। तो जने के बोल जाएगी। ठीक है जीजी, ये मैंने सब्जी सुब्जी तो छोंके आई हूँ अपनी, ले चाह बनाई इस चाह ने पी लूँ। हार गया तो मैं सारे दिन काम कर करके कती टूटली। ले भैया थोड़ी देर आराम करके मैं ले चाय पी लूँ। हे बत्तो, एक ही कर लिया मैंने तेरे तन यूं कही थी, उस गेहूं की बोरी ने एक एक ओढ़ ने कर दिए। देख मैं पड़ गई, मेरे चोट लगी, मेरे ठोकर लगी उसमें ना, सरकाई ना तने वा। जीजी तने सिवान पता कहाँ है? सिवान नाम की कोई जगह भी है? तू अब तक उस सिवान नहीं लेके बैठी है के? जीजी जीजी जीजी, मने मने कुछ याद आ रहा। के याद आ रहा? जीजी बिहारन जी सिवान की, और जीजी कुछ याद आ रहा तने, के जो जो पल्ले तरफ जो अपने जो जो पंचायत लगा कर रहे उधर के, उधर पास में खेत, उसके पल्ली तरफ एक वो ना रहे थी कोई जाटनी, हाँ उसके बेटे का नाम सिवान है।
याद आई जीजी, सच में बताऊं जीजी, यहाँ पे अटका पड़ा था जो ना निकल रहा ना अंदर जा रहा। उस सिवान जो शिव जी के नाम पे नारा कसने अपने बेटे का नाम सिवान, वो सिवान, वो भी सिवान और जे भी सिवान, जे अपनी बिहारन वही रह वही की रहने वाली जीजी। अरे ये सिवान और वो सिवान के फर्क पड़ गया? अरे है फालतू की बात सोचती रहे तू बत्तो, और तेरा डक्के अटक गया था गले में। जीजी जी, तने कोई काम तो से नहीं है, काम चोर कहीं की। अरे जीजी मैं कुछ भी ना करती और बेमतलब की बात सोचती रहे बैठी। अरे चल मेरी गैल काम करवा चल। जीजी क्या बोलती रहा तू, वक्त काम काम ही करती रह बे, तू रहने दे जीजी, तू फालतू की बातें कर। हां चल मैं रोटी बनाऊं मेरी गैला। अरे चल मेरी मदद कर ना जीजी।